नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में इकरार अहमद निवासी सिर वसु चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका छोटा भाई इकबाल अहमद कासमपुर गढ़ी में पेट्रोल पंप के पास नियारदार सिंह कॉलोनी में रहता है, जो कि काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। वहीं उसकी पत्नी बच्चों के साथ रिश्तेदारी में गई हुई थी, जिस पर मौका देख चोरों ने बंद मकान का फायदा उठाते हुए बैठक की खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इकबाल अहमद की पत्नी व परिजनों का कहना है कि उनके घर से चोरों ने 30,000 रुपये की नकदी, सोने के जेवर सहित जमीन के बैनामे भी चोरी कर ली है। घटना से क्षेत्र में चारों ओर दहशत का माहौल है। देखिए अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता संगम चौहान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान जी। ये जो चोरी की घटना हुई है आज, ये आप ही घर में हुई है? नहीं, छोटा भाई हमारा इकबाल अहमद जी, वो कहाँ है? वो दिल्ली। अच्छा, घर पे कौन था फिर? मतलब घर पे कोई नहीं था, उनके जो बच्चे थे वो अपनी माँ के घर में थे। अच्छा, मतलब बंद पड़ा हुआ मकान था? मकान बंद था जी। चोरों ने क्या क्या चोरी हुआ है, कुछ आइडिया? जी, मतलब 30,000 नकद गए हैं। 30,000 नकद जी, और सोने की चीज़ें भी हैं। सोने की चीज़ें जी, और सोने की चांदी की है। अच्छा, पासपोर्ट और जो कागज़ थे वो मिल गए। अच्छा, इसकी सूचना दे दी आपने पुलिस को? जी हाँ, पुलिस को दे दी। पुलिस जाँच पड़ताल करके चली गई जी। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।